रहीम सैदिन मोलाना महमद व प्रोग्राम पयाम रहमत पंजाब प्रीमियर स्कूल के ऑफिशियल फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल से मैं हूँ आपका होस्ट मोहम्मद इनाम मुस्तफ़ी मोसज नाज़रीन माहिर रमजानमबारक अपनी बरकतों अपनी सादतों और अपनी नमतों के साथ हमारे दरमियान मौजूद है माहिर रमजानुमबारक का पहला अशर अशरमत अपने इख्तामी लम्हा तक पहुँच चुका है आज हम आठवें रोज़े की इफ्तारी कर चुके हैं और नौवें रोज़े की शहरी के लिए तैयारी का सिलसिला जारी है महज नाजरीन ये माहिर रमज़ान मबारक अल्लाह रबुज़त ने उम्म मुहमदी सल्हुले वसलम के लिए बहुत बड़ा इनाम बनाकर बहुत बड़ा करम बनाकर रहमत का पैकर बनाकर हमारे दरमियान भेजा है इसको हर साल भेजने का बुनियादी मकसद ये है कि बतौर इंसान हमसे जो ग़लती जो खता हो जाती है अल्लाह इज़्ज़त के बंदे जब इस माह मुकद्दस में कसरत के साथ अल्लाह का ज़िक्र करते हैं इबादत करते हैं नमाज अदा करते हैं सदक़ात व खैरात करते हैं दुखी इंसानियत की मदद करते हैं और भूख प्यास के आलम में रोज़े की शिद्दत में जब वो प्यास से गुज़रते हैं भूख से गुज़रते हैं तो इस सारे अमल के जरिए जब उनके दिलों में दूसरों की भूख और प्यास का एहसास पैदा होता है तो अल्लाह इज़्ज़त को ये अमल इस कदर पसंद आता है कि इन सारे आमाल की बदौलत अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त बंदों के पिछले गुनाहों को माफ़ कर देता है माह मुबारक एक ट्रेनिंग वर्कशॉप है जिसमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें प्रैक्टिसेस करवाता है कि अगर तुम मेरे हुक्म पर हलाल को रोक देते हो मेरे कहने पर हलाल तक को छोड़ देते हो तो जब आम और मुबारक के अलावा ग्यारह महीने होते हैं तो ऐ मेरे बंदो जैसे तुमने रमज़ान में हलाल मेरी खातिर छोड़ दिया था ऐसे ही आम और बाकी ग्यारह महीनों में हराम आपने मेरी वजह से छोड़ देना है तो बेसिकली हराम को छोड़ देना और एक एक लम्हा अल्लाह की मर्ज़ी के मुताबिक गुजारने की ये प्रैक्टिस ये पूरा महीना ट्रेनिंग वर्कशॉप ये इसलिए होती है कि हम बाकी ग्यारह महीनों को भी इसी के मुताबिक और इसी अंदाज में ही गुजारने वाले बन जाएं यही वजह है कि अल्लाह इज़्ज़त के नेक बंदों ने इस माह मुकद्दस में इस कदर इबादत की है कि बाकी महीनों में और इस माह मुकदस में वाज फ़र्क नज़र आता है पंजाब प्रीमियर स्कूल के ऑफिशियल फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल से चूँकि ये माह मुकदस दीनी को सीखने का दीनी तालीमत को फ़रोग देने का और पूरा महीना एक अल्लाह और उसके रसूल के दिए गए अहकाम में गुजारने का महीना है तो उसी मंज़र को देखते हुए इसी अहमियत का अंदाज़ा लगाते हुए पंजाब प्रीमियर स्कूल ने तलबा और तलबात की के लिए और इन जनरल नाजरीन के लिए तालीम और तरबियत का सिलसिला रमज़ानुमारक की इस ट्रांसमिशन के ज़रिए कर रखा है हमने गुज्ता प्रोग्राम में भी इसी अंदाज में प्रोग्राम किया था और हमारे स्कूल के मुख्तलिफ बच्चे हमारे साथ ट्रांसमिशन में मौजूद थे आज एक नई एपिसोड के साथ एक नई ट्रांसमिशन में हमारे साथ हमारी आ, स्कूल के मुख्तलिफ़ क्लासेस के बच्चे हमारे साथ मौजूद हैं जो सवाल जवाब करेंगे और इन शजीज़ कुरान और सुन्नत की रोशनी में उनके जवाब उन्हें दिए जाएंगे आइए बिला तख़िर सिलसिला शुरू करते हैं मैं सबसे पहले प्री नाइन्थ और नाइन्थ के इन बच्चों को अपने आज के प्रोग्राम में वेलकम करता हूँ असल बहुत शुक्रिया बेटे आप लोग अपनी क्लासेस को पढ़ने के बाद आज की रमज़ान ट्रांसमिशन में आए और आकर आप लोगों ने सिलसिला तालीम और तरबियत शुरू किया मैं बिला तखीर चाहूँगा कि सवाल का सिलसिला शुरू किया जाए और जी बेटे क्या सवाल है पहले असल सर मेरा सवाल आपसे ये है कि तकवा का मानी व मफहम क्या है अस्सलाम व वरह आपने बहुत अच्छा सवाल किया तकवा का माना और मफहम क्या है मैंने गुजशत नशिस्त में भी इसका ब्रीफली आंसर दिया था कि तकवा क्या होता है लेकिन आपको थोड़ा डिटेल में समझाता हूँ कि तकवा बेसिकली किस चीज़ को कहते हैं बेटे आ, ये जो लफ्ज़ आया तकवा डेफ़िनेटली हम रोज़ा रखते हैं तो जब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने रोज़े के मकासद बयान किए ना कि रोज़े क्यों रखे जाते हैं तो उन मकासद में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया या लजीन अमन कोतबाल ही को मुस्से कमा कोतबाल अललज़ीना मिन कबिल कम लाला ए ईमान वालो तुम पर रोज़े फ़र्ज़ किए गए जैसा कि तुमसे पहले लोगों पर फ़र्ज़ किए गए अच्छा क्यों फ़र्ज़ किए हम पर क्यों फ़र्ज़ किए पहले लोगों पर तो एक ही है तत्ता कौन ताकि तुम तकवा वाले बन जाओ बोलिए कौन से बन जाओ तकवा वाले बन जाओ अच्छा अब आप ये आपका सवाल है कि तकवा क्या होता है तकवा बेसिकली कहते हैं प्योरिफिकेशन इंग्लिश में क्या कहते हैं प्योरिफिकेशन यानी अपने आप को गुनाहों से दूर ले जाना बोलिए क्या अपने आप अच्छा को अच्छा गुनाहों से दूर ले जाना यानी हर उस जगह से खुद को दूर कर लेना जिस जगह पर गुनाह हो अब गुनाह सिर्फ नमाज छोड़ना गुनाह नहीं है सिर्फ आ, रोजार न रखना ये गुनाह नहीं है सिर्फ कुरान मजीद ना पढ़ना ये गुनाह नहीं है बल्कि झूठ है चुगली है गईत है हसद है कीना इनाद बुग्ज़ अनापरस्ती परस्ती तकबर रौनत गुस्सा नफरत ड्यूटी प्रॉपर तरीके से परफॉर्म ना करना पेरेंट्स की बात ना मानना मेरी बात समझ रहे हैं टीचर की बात ना मानना अलगरज ये सारी चीज़ें करप्शन करना लूटमार करना चोरी करना डकेती करना जुल्म करना हराम खाना ये सारी की सारी चीजें गुनाह है जब बंदा इन सारी चीजों से खुद को दूर कर लेता है क्या दूर इन दूर सारी चीजों से बंदे को अपने आप को बंदा दूर कर लेता है और इसके ऑपोजिट दुरुस्त काम करने वाला बन जाता है तो समझ लें वो बंदा तकवा वाला है उस बंदे के अंदर तकवा आ गया इसकी एक और बड़ी डेफिनेशन जो मैंने पहले कभी बयान नहीं की आपसे जिक्र कर रहा हूँ वो डेफिनेशन बड़ी खूबसूरत है देखिए इंसान दो चीज़ों का बना हुआ है एक इंसान का जिस्म और एक इंसान की रूह बोलिए कितनी चीज़ों का है दो एक जिस्म और एक रूह अच्छा हमारी रूह बेटे तब बन गई थी जब अल्लाह कायनात बनाई थी जबकि हम तो आ जाए हैं दुनिया में तो हमारी रूह हमारे जिसम में आने से पहले ये रहती थी अल्लाह के इर्द गिर्द अल्लाह का अर्श उसके इर्द गिर्द रहती थी जब हम पैदा हुए अल्लाह ने वहां से हमारी रूह पकड़ी और हमारे जिस्म में डाल दी अच्छा अब जब हमारे जिस्म में रूह डाली तो बेटे तब वो गंदी थी या बड़ी पाक साफ थी पाक, पाक, पाक साफ थी क्यों अल्ला क्यों क्योंकि ये रही कहां थी अल्लाह के इर्द गिर्द और अल्लाह के अल्ला इर्द गिर्द कोई झूठ तकबर कोई गुनाह वाली चीज नहीं।, नहीं अच्छा अब हम इस दुनिया में आ गए जिसम भी मिल गया रू भी मिल गया हमने बेटे यहाँ वक्त गुजारा पचास साल साठ साल सौ साल गुजार लिए तो दोबारा जब इस जिसम से अल्लाह ने रूह निकाली हर बंदे ने मरना है कुल नफ्सिन जाए मौत हर नफ्स ने मौत का जायका जखन बेटे जब ये रूह निकलती है तो जब रूह निकली तो अगर बेटे बिल्कुल उसी शक्ल में थी जिस शक्ल में ये रूह हमारे जिसम में आई थी जब आई थी तो क्या थी पाक, पाक साफ थी और जब गई तो अगर तब भी पाक साफ थी यानी उसने इस दुनिया में रहते हुए पचास साठ साठ साल कोई गुनाह नहीं किया झूठ नहीं बोला करप्शन नहीं की गुंडागर्दी नहीं की लूटमार नहीं की गाड़ियां झूठ से नहीं बनाई बंगले नहीं बनाए अरबों खरबों का बैलेंस नहीं जोड़ा गरीबों पर जुल्म नहीं किया तो उसकी रूह क्या रहती है पाक और साफ रहती अगर बेटे सारी जिंदगी बंदे की रू उसी शक्ल में रहे जिस शक्ल में ये रू आई थी और जब ये निकली तो उसी शक्ल में निकली पाक और साफ तो समझ लें उस बंदे ने सारी जिंदगी किस में गुजारी है तकवा में गुजारी परहेजगारी में गुजारी गुनाहों से दूर तो रूह को पाक और साफ रखना बोलिए क्या रूह को पाक और साफ रखना गुनाहों से दूर रहना इस पूरे अमल को किसका नाम दिया जाता है क्लियर हो गई बात जी बेटे आपका सवाल क्या वालेकुम सर मेरा नाम खतीजा फैसल मैं पे प्री नाइन नाइनसी मेरा सवाल ये कि अगर रमजान में कोई रोजा ना रख सके तो क्या वो हम रमजान के बाद रख सकते हैं ठीक है बहुत अच्छा बेटे बहुत अच्छा सवाल है बड़ी सादा सी बात अल्लाह ताला ने एक तो कुरान मजीद मेरे शाद फरमाया कि ये वो महीना है जिसमें हम सब पर रोजे फर्ज कर दिए गए अब सिर्फ दो सूरतें ऐसी हैं जिन सूरतों में आप रोजा छोड़ सकते हैं बोलिए कितनी सूरतें दो दो सूरतों में आप रोजा छोड़ सकते हैं इसके अलावा आपको रोजा छोड़ने की इजाजत नहीं, नहीं।, नहीं एक सूरत यह है कि आप बीमार हो गए और इतने बीमार हो गए कि अगर आपने दोपहर के वक्त मेडिसन न ली तो आपकी जान को खतरा है आपका मर्ज बढ़ सकता है और आपको अथेंटिक डॉक्टर यह कह देता है कि आप रोजा छोड़ दें तो आप उस सूरत में रोजा छोड़ सकते हैं या आपने बहुत दूर जाना था सफर करना था हंड्रेड किलोमीटर से ज्यादा आपने दूर जाना था लाहौर से इस्लामाबाद जाना था तीन सौ किलोमीटर बनता है ठीक है आपने मुल्तान जाना था आपने कराची जाना था आपने दूर सफर पे जाना था तो उस सूरत में भी आप रोजा छोड़ सकते हैं अब इन दो सूरतों के अलावा कोई और सूरत रोजा छोड़ने की नहीं, नहीं, नहीं हर सूरत रोजा रखना ही रखना है अब दिनों में सवाल पैदा हुआ कि छोड़ दिया बीमार हो गए या सफ़र पर जाना पड़ गया वैसे आपको बताऊं कि अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में यह फरमाया कि अगर आप रोज़ा छोड़ दें तो ठीक है आप छोड़ सकते हैं लेकिन अगर आप रख लेना तो यह ज्यादा अफसल है अल्लाह उस बंदे को दो गुना देता है एक वो बंदा था जो था जो उसने रोजा रखा और एक वो था जो बीमार था उसने रखा तो अल्लाह किसको ज्यादा देता भी है, भी भी है। भी अच्छा एक घर में था और एक सफर में था, सफर में था। तो अल्लाह अजर किसको ज्यादा देता है अच्छा क्यों देता है क्योंकि वो मुश्किल में है मगर इसके बावजूद भी उसके उसने अल्लाह के अकाम को छोड़ा लेकिन अगर वो छोड़ देता है तो उस पर कोई गुना नहीं, नहीं है अच्छा ये जो सफ़र वाली बात है ना बिलखसूस ये बड़ी तवज्जो तलब है पुराने ज़मानों में तो लोग ऊँटों पे सफ़र करते थे घोड़ों पे सफ़र करते थे खच्चर पर सफ़र करते थे गदों पर सफ़र करते थे मुख्तलफ तो उस वक्त सफ़र मुश्किल था आज के जमाने में सफर मुश्किल इसलिए हमें कोशिश करनी चाहिए कि सफर की हालत में भी हम रोजा लेकिन अगर फिर भी कुछ छोड़ दे तो गुना उस पर नहीं है अच्छा अब छोड़ दिया तो अब हुक्म यह है कि पहले वो दो दिन सफर में रहा दो दिन छोड़ दिया अब उसके बाद वो आगे कंटिन्यू रखेगा रोजे जब रमजान मुबारक मुकम्मल हो जाएगा तो अगला रमजान आने से पहले पहले बेहतर यह है कि वो शवाल के महीने में ही रख ले जो रमज़ान के बाद ईद के बाद महीना आते ईद के बाद वो रख ले। लेकिन अगर वो नहीं रखता तो अगले रमजान के आने से पहले पहले वो दोबारा रोजा रख सकता है ये यूं उसका ये सिलसिला मुकम्मल हो जाए ठीक हो गया बेटे समझ आ गई बात हुँ। की हुँ। जी बेटे आपका क्या सवाल असल सर मेरा नाम अदन फातमा है मैं ग्रेड प्री नाइन की स्टूडेंट हूँ मेरा आपसे क्वेश्चन ये है कि रोजा रखने की क्या फजीलत है ठीक हो गया बहुत अच्छा सवाल है रोजा रखने की क्या फजीलत है पहले नंबर पर तो ये है कि अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में इसका हुक्म दे दिया कि आपने रोज़ा रखना है और देखिए अगर कोई काम गैर ज़रूरी हो या कम इम्पोर्टेंट हो बोलिए क्या कम, कम इम्पोर्टेंट हो तो वो वाला जो रोज़ा होता है ना वो वाला जो काम है वो अल्लाह किसी एक कौम को देता है किसी दो कौमों को देता है सारी कौमों को वो काम नहीं देता लेकिन ये रोज़ा एक ऐसी इबादत है इसकी इतनी अहमियत है इसकी इतनी फजीलत है अल्लाह के हाँ लेकर ले आज के दिन तक जितनी भी कौमें आई अल्लाह ने सब कौमों पर रोजा फर्ज किया क्यों फर्ज किया क्योंकि ये बहुत इम्पोर्टेंट चीज है अल्लाह के यहाँ, अगर ये इंपॉर्टेंट ना होती तो अल्लाह कभी भी हर उम्मत पर फर्ज ना करता, ना करता। तो जो हर उम्मत को दिया यही जुमला इसकी इंपोर्टेंस को जाहिर कर रहा है अगली बात अल्लाह ताली ने कुर मजीद में इसका जिक्र किया अब जो बात गैर जरूरी हो अनइम्पॉर्टेंट हो उसका जिक्र कुरान में करता है लिहाजा इसको रखना हम सब के लिए बहुत जरूरी फिर आप अदीस को पढ़ें तो इस्लाम ने इसके इतने फजाइल बयान किए हैं इतने फजाइल बयान किए हैं कि आकलम ने मुश्किल से मुश्किल हालत में भी रोज़े को छोड़ा नहीं है मसला आपको मालूम है रमज़ान मुबारक में सत्रह तारीख को गजवा बदर हुआ था जब पहली दफा रोजे फर्ज हुए पहली दफा दो हिजरी में आकल सलाम मक्का से हिजरत करके कितने साल गुजर चुके थे दो तो रोजे फर्ज हो गए अब रोजे फर्ज हुए तो पहले ही रोजों में क्या आ गया जिहाद और शिद्दत की गर्मी इसका नाम रमजान है पता क्यों रमजान है इसका नाम रमजान कहते हैं आग को आग क्यों ये आए गर्मी में थे इसलिए इसका नाम रमजान रखा गया और इसका रमजान नाम इसलिए भी रखा गया कि इसका माना है आग जो बंदा भी रोजे रख लेता है ना तो अल्लाह ताला उसके जितने भी गुना होते हैं उनको जला देता है इसलिए इसका इस माँ का नाम रमजान अच्छा मैं ये बात कर रहा था कि आकल इस्लाम ने मुश्किल हालात में सतरा रमज़ान थी शिद्दत की गर्मी थी और शिद्दत की गर्मी में आकल इस्लाम जिहाद पे गए हुए और सब स्याबा कर ने भी रोजा रखा हुआ है और आकल इस्लाम ने भी तुम अब इससे बड़ी और मुश्किल हालत क्या हो सकती इधर कितने लोग थे तीन सौ तेरह उधर कितने लोग थे एक हजार इधर चीजें भी कोई नहीं लेकिन इस हालत में भी रोजे को छोड़ा नहीं। अगली बात कि इसकी कितनी अहमियत है और क्या इसकी फजीलत है आकल इस्लाम ने छात्र फरमाया मुतफल हदीस बुखारी मुस्लिम की आकल इस्लाम ने छात्र फरमाया मन सामा राम ईमान एहतरल जो बंदा भी मुबारक का रोज़ा अल्लाह की रजा की खातिर रखता है बोलो किसकी रजा की खातिर अल्लाह की रजा की खातिर कि मेरा अल्लाह इसे राजी हुए इस नीयत के साथ जो बंदा भी रोज़ा रखता है अल्लाह उस बंदे के पिछले सारे गुनाहों को मिटा फिर माह मुबारक ऐसा महीना है कि इस माह मुक़दस के अंदर एक एक लम्हे में अल्लाह ताली सत्तर सत्तर हज़ार गुनागारों की बख्शिश फरमाता है फिर इसकी अहमियत यह है कि माह रमजानबारक में अगर कोई बंदा आम दिनों में फर्ज नमाज पढ़े तो उसे एक नमाज का स्वाब मिलता है लेकिन अगर कोई बंदा माहिर रमजान में फर्ज नमाज पढ़े तो उसे सत्तर गुना ज्यादा अजर मिलता है और अगर कोई बंदा माहिर रमजान में नफल इबादत करे कौन सी इबादत नफल तो उस बंदे को अल्लाह तला फर्ज का अजर देता है तो इस माह रमजान मुबारक की इतनी फजीलत है कि बंदे के गुना माफ होते हैं जो रमजान मुबारक के एंड पर अल्लाह हम हम पूरा महीना मजदूरी करते हैं रोजा रख के क्या करते हैं हम बेटे को इमारत बनाते हैं तो जितने मजदूर बुलाए हुए हों तो हम क्या करते हैं जब इमारत मुकम्मल हो जाती है तो हम उनको पैसे, पैसे, देते, पैसे देते हैं मजदूरी देते हैं ऐसे ही हम ये जो रोजा रख रहे हैं ना ये हम अल्लाह की मजदूरी कर रहे हैं जब आखिरी रोजा हम इफ्तार करते हैं तो अल्लाह हमें पैसे देता है मजदूरी देता है वो कौन से पैसे होते हैं वो ये होते हैं कि अल्लाह हमारे सारे गुनाहों को हो और हम उस लमे ऐसे हो जाते हैं जैसे न्यू बोर्न बेबी गुनाहों से पाक होता है ऐसे ही आप सब बच्चे भी गुनाहों गुनाहों से से और हम सब भी गुना पाक। पाक है। ये है इसकी फजीलत और पर जी बेटे सर मेरा बारे नाम फारिया शाहिद है और मैं स्कूल में ग्रेड नाइन की स्टूडेंट हूँ सबसे पहले तो मैं आपके और स्कूल की बहुत शुक्रगुजार गुजार हूँ की आपने हमें चांस दिया कि हम अपने क्वेश्चन आपसे पूछ सकें मेरा क्वेश्चन ये है कि खिदमत इंसानियत का जो क्या है वाह 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 बहुत खूबसूरत सवाल है आपका कि خدمت इंसानियत का क्या अजर है इस पर तो कुरानी आयात मतद्द अदीस और बेशुमार चीज़ें मौजूद हैं मैं सिर्फ़ ब्रीफली एक आध मिनट में इसका आंसर देना चाहता हूँ कि बेटे हम नमाज पढ़ते हैं रोज़ा रखते हैं हज अदा करते हैं ज़क़ात अदा करते हैं कुर्बानी करते हैं सदका ख़ैरत करते जितने अमाल भी करते हैं ना ये सिर्फ़ इसलिए करते हैं कि हमारे दिलों में इंसानों की महब्बत पैदा हो जाए यानी हमारा जो दीन है ना दीन इस्लाम वो बेटे स्वाब का नहीं है वो क्या स्वाब का दीन नहीं, नहीं। वो हमारी प्रैक्टिकल लाइफ में हमारी तरबियत करना चाहता है मसलन हम नमाज पढ़ते हैं सबसे बड़ी अफजल इबादत है अगर हम तना नमाज पढ़े क्या तना, तना नमाज पढ़े तो एक नमाज का स्वाब है लेकिन अगर हम बाजमात नमाज पढ़े तो हमें सत्ताईस नमाजों का स्वाब मिलता है। तो फर्क क्या आया इबादत तो वही है लेकिन वो इजाफी क्यों हुआ वो अजर बढ़ा क्यों उसकी वजह क्या थी क्योंकि हम किन से मिले इंसानों से इंसानों के साथ मिलकर पड़ी तो अल्लाह ताला इंसानों के साथ मिलकर काम करने को इतना पसंद करता है कि अपनी नमाज का अजर भी बढ़ा देता है। अच्छा पूछा बारी ताला तूने तो नमाज क्यों फर्ज की फरमाया इन सलाता तनहा अनिल फाशाई वाल मुनकर। नमाज इसलिए फर्ज की ताकि आप फोश गोई से बच जाए गंदी बातों से बच जाए झूठ बोलने से बच जाए बेटे झूठ किन से बोला जाता है अल्लाह से या बंदों से बंदो तो, तो अल्लाह ताला इबादत के जरिए हमें इंसानों से मोहब्बत सिखा रहा है इंसानों का अदब सिखा रहा है जकत बेटे पैसे अल्लाह को जाते हैं इंसानों को जाते हैं हज करते हैं पैसे अल्लाह को जाते हैं इंसानों को जाते हैं हम कुर्बानी करते हैं गोश्त अल्लाह को जाते हैं इंसानों को जाते हैं जितनी इबादतें भी हैं सारों का रोजा रखते हैं रोजा पूछा भारत रोजा क्यों रखे फरमा इसलिए रखो था कि तुम्हें दूसरों की भूख और प्यास का तो जितनी भी इबादतें हैं एक ही मकसद है कि अल्लाह ताला हमें इंसानों के साथ मोहब्बत सिखाना इंसानों का दर्द सिखाना चाहता है उनकी मदद यही वजह है कि अल्लाह ताला के महबूब हजरत मोहम्मद सल वसलम ने शायद फरमाया कि तुम में से कोई बंदा किसी बंदे का काम करने के लिए जाए किसी बंदे का काम सर मसला यहाँ सर अली है सर अली आपको कह दें फारिया शायद जाए जल्लो मोड़ और वहां से ये काम करें अफारिया शायद जाए काम करने के लिए और रस्ते में अल्लाह ना करे इसको जख्मी हो गई अच्छा ये कोई बंदा गया वो दुनिया से ही चला गया एक्सीडेंट हुआ तो आपको मालूम है किसी बंदे का काम करने गया था तो अल्लाह ताला को यजर इतना पसंद आता है कि हुआ तो एक्सीडेंट लेकिन अल्लाह क्यामत के दिन उसको शहीदों के साथ उठाएगा क्यों क्योंकि वो किसी दूसरे की मदद करने के लिए गया अच्छा अगर गया और सही सलामत आ गया तो अल्लाह ताला एक के कदम के बदले में दस तस्नेकिया दस था करता है अब आप देखें किसी को कह दिया पानी पिला दो अब वो जितने पानी पिलाने पीने के लिए वो जितने कदम चल के गया तो अल्लाह उसके बदले में एक के कदम के बदले में दस दसनेकिया छोटा सा कहा ये मुझे मेरा बैग वहां से उठा के ला दो फुला क्लास में मेरी ये चीज पड़ी वहां से ला दो आप एक दूसरे की मदद कर रहे हैं अब आप देखिए ये अमल इतना पसंद है मैं आखिरी हदीस से बाग बयान करके कि आकल सलाम से पूछा गया यार रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु करना अफजल है या यतीम की मदद करना अफजल है तो आकल सलाम ने फरमाया यतीम की मदद करना इस मस्जिद नबवी में एतकाफ बैठने से भी अफजल है मस्जिद नबवी में एतकाफ करने से भी अफजल कौन सा अमल है यतीम, यतीम, यतीम की मदद और इसी तरह एक और बड़ी ख़ूबसूरत हदीस पाक है जिसके ज़रिए हमें ख़िदमत इंसानियत का अंदाज़ा होता है कि ये इस्लाम में दीन में इसकी क्या अहमियत है हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि क़यामत के दिन एक बंदा अल्लाह की बारगाह में आएगा और अल्लाह की बारगाह में जब पहुँचेगा तो अल्लाह उससे पूछेगा कि मैं बीमार था तू मेरी तीमारदारी करने नहीं आया मैं भूखा था तूने मुझे खाना ही नहीं खिलाया वो बंदा पूछेगा बारी बारीतला तू तो खाने पीने से पाक है तो मैं तुझे खाना कैसे पेश करता तू तो बीमार हो ही नहीं सकता तो मैं तेरा इलाज कैसे करता तो अल्लाह ताला फरमाएगा वो तेरे मोहल्ले में फुला बंदा बीमार था तू अगर उसकी मदद करता उसका इलाज करवाता तो वो ऐसे ही होता जैसे तूने मेरा इलाज करवाया वो फुला बंदा भूखा था अगर तू उसको खाना खिलाता तो वो ऐसे ही होना था जैसे तूने मुझे तो यानी इसका मतलब ये ये हुआ पता चला कि जब बंदा किसी जरूरत मंद की मदद करता है किसी दुखी इंसान के काम आता है किसी मुश्किल में फंसे हुए बंदे के काम आता है तो उसका अजर ऐसे है गोया वो बंदा अल्लाह को खिला रहा है अल्लाह की को, का इलाज करवा रहा है अल्लाह ये अजर के अतबार से है हकीकत में ऐसे अगला सवाल सर मैं नाम जुड़ा और मैं क्लास नाइन की स्टूडेंट हूँ मेरा आपसे सवाल यह है कि रमजान में नमाज त्ररावी पढ़ना लाजमी है अगर ना पढ़े तो कोई गुना तो नहीं ठीक हो गया बेटा देखो नमाज तरावी ये आकल इस्लाम की सुन्नत है और सुन्नत भी दो तरह की होती है एक होती है सुन्नत मौकदा और एक होती है सुन्नत गैर मुक्दा मौकदा, मौकदा सुन्नत वो होती है जैसे फजर की नमाज की दो सुनते हम छोड़ जोहर की पहली चार सुन्नतें हम छोड़ नहीं ईशा की चार सुन्नतें पहली वाली हम छोड़ सकते हैं असर की पहली वाली चार हम छोड़ सकते हैं तो जो छोड़ी नहीं जा सकती उनको कहते हैं सुन्नते और जो छोड़ी जा सकती हैं उनको कहते हैं सुन्नत गैर मौकदा ये जो नमाज तरावी है ये सुन्नत ग़ैर मौकदा नहीं बल्कि सुन्नत मौकदा है इस्लाम ने उम्र भर सारी ज़िंदगी पढ़ी तीन दिन जमात के साथ पढ़ी बाकी दिन आपने बग़ैर जमात के पढ़ी फिर हजरत अबूबकर रज़ील्ल्ला तमाने में और बिलखसूस उसके बाद हज़रत उमर फारूक रजील तहों के ज़माने से आज के दिन तक ये बात जमात पड़ी जाती है अगर हम इसको तर्क करते हैं तो इसका अलग गुना है इसका रोजे पर कोई असर नहीं पड़ेगा अगर आप नहीं पढ़ते तो आपका रोज़ा हो जाएगा बोलिए क्या रोज़ा तो तब भी हो जाएगा कि अगर आपने रोजा रखा और नमाज ना पढ़ी नमाज अलग फर्ज है ठीक है जी उसका रोजे के साथ कोई ताल्लुक नहीं ऐसे ही नमाज तरावी का रोजे के साथ कोई ताल्लुक नहीं है हाँ अगर आप नमाज तरावी छोड़ेंगे तो उसका अलग से आपको गुना जरूर होगा क्योंकि आपने सुन्नत मददा को छोड़ दिया तो हमें बीस रकत नमाज तरावी पढ़नी है बोलिए कितनी आकल इस्लाम ने कभी भी जिंदगी में आठ रकत नमाज तरावी नहीं पढ़ी बारह रकत नमाज तरावी नहीं, नहीं पढ़ी आकल इस्लाम ने बीस रकत नमाज तरावी पढ़ी स्याब कराम ने सारी उम्र बीस रकत नमाज एक तो बीस रकत नमाज तरावी है अच्छा इसमें भी ये आप खुतन हैं ठीक है गर्ल्स हैं फीमेल्स हैं तो अब आप लोगों के लिए तनह पढ़ना इवन मेल्स के लिए भी जिनको कुरान की सूरतें आती हों तन पढ़ने का ज़्यादा स्वभाव है बोलिए क्या तनहा पढ़ने का ज़्यादा तो इसलिए ये इबादत हर सूरत हमें करनी चाहिए क्लियर होगी बात बैठ जी सर सर नाम ना बारिक वाली ने माह रमज़ान मुबारक को जहाँ फजीलतें दी मसला एक तो ये फजीलत दीना बंदा गुनागारों के अल्लाह तुना माफ कर देते एक ये फजीलत दी कि इस माह में अल्लाह ने जितनी आसमानी किताबें हैं कुरान मजीद समेत वो सारी किस महीने में उतरी हैं क्योंकि ये रमज़ान का महीना पिछले उम्मतों में भी था और इस उम्मत में भी तो रमज़ान मुबारक में उतारी वहीं अल्लाह ताला ने एक रात ऐसी है जो पहले किसी उम्मत को नहीं दी सिर्फ रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दी और वो रात है लैलतुल कदर अच्छा ये लैलतुल कदर ऐसी है कि अगर कोई बंदा इस रात इबादत करता है तो अल्लाह ताला उसको एक हज़ार साल इबादत करने के बराबर सवाब अता करता है एक हजार साल अब ये लैलतुल कदर याद रख लें अल्लाह तबारिक ने कुरद में, में पूरी सूरत नाजिल की फरमाया हमने इस कुरान को लतुल में नाजिल किया आप क्या जानते हैं कि लिलातुल कदर क्या है लतुल कदर खैर अलफिशाह एक हजार महीनों से ज्यादा अफजल है अच्छा क्या होता है इसमें लकद्र खर उमिनिशाह फरिश्ते जमीन पर उतरते हैं और वो बंदों के लिए फजर होने तक सलामती लिखते रहते हैं सलामती का मतलब उनके लिए नेकियां लिखते रहते हैं बोलो क्या लिखते रहते हैं और गुनाहों को मिटाते रहते हैं तो अल्लाह तबार अच्छा ये जो रात है लैलतुल कद्र की ये सिर्फ सत्ताईसवीं शब को नहीं होती आखिरी अशरे की जो ताक रातें हैं इक्कीसवीं तेईसवीं पच्चीसवीं सत्ताईसवीं और उनतीसवीं ये जो रातें हैं आखिरी अशरे की इन पांच रातों में से किसी एक रात में लैलतुल कद्र होती है हमें पता नहीं चलता कि कौन सी है लिहाजा हमें सिर्फ इबादत सत्ताईसवीं शब्द को नहीं करनी चाहिए बल्कि हमें इबादत इन पांचों रातों में करनी चाहिए उसी जोर और शोर के साथ जिस जोक और शौक के साथ हम सत्ताईसवीं को करते हैं क्योंकि कुरान सत्ताईस रमजान को नाजिल नहीं हुआ कुरान लैलातुल कदर में नाजिल हुआ है बोलिए किस में नाजिल हुआ है और लैलातुल कदर किसी एक रात में नहीं।, नहीं वो पांचों रातों में से किसी रात भी हो हाँ, उसकी पहचान होती है ठंडी हवा चलती है हल्की बारिश होती है आप इबादत करते हैं आपको इबादत में मजा बड़ा आता है ये वो कुछ अलामत हैं जिससे हमें अंदाजा हो जाता है कि आज की रात कदर है।, है या नहीं। ये बात तय है कि अल्लाह तबारिक वाली इस रात अपने बंदों के तमाम गुनाहों को माफ कर देता है ये और कितनी बेटा एक हजार महीनों के बराबर इबादत का सवाब अदा करता है क्लियर होगी बात बेटे जी और कोई सवाल आपके जहन में हो तो आप बहुत शुक्रिया जी मोहिद नाजरीन प्रोग्राम पे आमिर अहमद इसका पहला हिस्सा अपने अख्ताम तक पहुँच रहा है और इसमें सवालों जवाब की ये नशस्त थी बच्चों ने सवाल पूछे और हमने अपने नाक के शिल्म के मुताबिक सवाल के जवाब दिए वक्त हुआ चाहता है एक वक्फे का वक्फे के बाद आपकी मुलाकात होगी हमारी इस रमज़ान ट्रांसमिशन के मरूफ़ शनाखा सर अली हुसैन से ब्रेक लीजिए और ब्रेक के बाद मुलाकात होगी आपकी सरली हुसैन के साथ हमारे साथ रहिएगा हुजूर जानते हैं उदूद सिदरा हुजूर जानते हैं पहुँच सिदरा पे रू हुए अमीन केह लगे पौ के यहाँ से आगे का रस्ता हुजूर जानते हैं के यहाँ से आगे का रस्ता

चेहरा हुजूर जानते हैं हर एक गुलाम का चेहरा हुजूर जानते हैं कहाँ है अर शे मुल्ला हुजूर जानते हैं रे सिदरा हुजूर जानते हैं नाजरीन ये थे सर अली हुसैन जो हजूर नबी अक्रम की नाते पाक से हमारे कुलूब को मुनवर कर रहे थे यकीन दिलों में और रूहों में जज्ब इश्क रसूल सल्हुस पैदा करने का बेहतरीन जरिया हजूर नबी अक्रम सल्हस की नात है हम अपने कानों को इस माह मुकदस में इस ट्रेनिंग वर्कशॉप पर मबनी इस पूरे महीने के अंदर जिस कदर अपने कानों को अपने दिल को अपनी रूहों को हुजूर की नात के साथ मुत्र करते रहेंगे यकीन ये आदत पुख्ता हो जाएगी और हम बाकी महीनों में भी नाते रसूल मकबूल के साथ जुड़े रहेंगे मौजुद नाजरीन इन्हीं अच्छे कलमात के साथ आज के रमज़ान ट्रांसमिशन के अख्ताम का वक्त हुआ चाहता है अपना अपने घर वालों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा आपसे मुलाकात होगी इन अगले प्रोग्राम में नई एपिसोड के साथ नई इसी रमजान ट्रांसमिशन में तब तक अपने होस्ट इनाम मुस्तफ़ी को इजाजत दीजिए अल्लाह हाफिज़